नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से आज शाम की बड़ी खबरें। मोदी बोले कांग्रेस को 100 साल तक तरसाइए। छतरपुर में कहा इन्होंने बुंदेलखंड को बूंद बूंद पानी को तरसाया, राम को काल्पनिक बताया। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। सतना की चुनावी सभा को संबोधित कर वे छतरपुर पहुंचे। छतरपुर में पीएम ने कहा अयोध्या में भगवान राम का मंदिर न बने, इसके लिए कांग्रेस ने भगवान राम को काल्पनिक बता दिया था। इन्होंने बुंदेलखंड को बूंद बूंद पानी के लिए तरसाया, इन्हें 100 साल तक तरसाइए, सत्ता के लिए तरसाकर सजा दीजिए। इससे पहले सतना की चुनावी सभा में पीएम ने कहा अयोध्या में जिस भक्ति से हम प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बना रहे हैं, उसी भक्ति से गरीबों के घर भी बनाते हैं। जिन्हें घर पीएम आवास नहीं मिले हैं, उन्हें मोदी की गारंटी है कि उनका घर भी बनेगा। 3 दिसंबर को सरकार वापसी पर पीएम आवास का काम तेजी से शुरू होगा। ये मोदी है जिसने 4 करोड़ घर बनाए, लेकिन खुद के लिए घर नहीं बनाया। मोदी ने युवाओं खासकर फर्स्ट टाइम वोटर से कहा पूरे चुनाव को आप लीड करिए। पीएम नीमच में भी सभा को संबोधित करेंगे। धनतेरस से पहले कम हुई सोने चांदी की कीमत, खरीदने का अच्छा मौका, जाने ताजा भाव। आपको बता दें धनतेरस से पहले आज कारोबारी सप्ताह के चौथे दिन गुरुवार को सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दिखाई दे रही है। आज 9 नवंबर 2023 को सराफा बाजार में सोने चांदी की नई कीमतें जारी की गईं। आज सोना 24 कैरेट 440 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ती कीमत पर है और चांदी 300 रुपए प्रति किलोग्राम सस्ती कीमत पर कारोबार करती दिखाई दे रही है। 24 कैरेट सोने की कीमत की बात करें तो दिल्ली सराफा बाजार में आज 10 ग्राम सोने की कीमत 60,910 रुपए, मुंबई सराफा बाजार में 60,760 रुपए, कोलकाता सराफा बाजार में 60,760 रुपए और चेन्नई सराफा बाजार में कीमत 61,250 रुपए पर ट्रेंड कर रही है। आज 1 किलो चांदी की ये है कीमत। चांदी की कीमत की बात करें तो दिल्ली सराफा बाजार में आज 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 73,200 रुपए है। मुंबई सराफा बाजार और कोलकाता सराफा बाजार में भी चांदी की कीमत 73,200 रुपए है, जबकि चेन्नई सराफा बाजार में कीमत 76,200 रुपए है। राहुल बोले तोमर जी का लड़का भ्रष्ट, अशोकनगर में कहा बीजेपी नेता ने आदिवासी युवक पर पेशाब किया, जाति जनगणना जरूर होगी। आपको बता दें कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी आज एमपी के दौरे पर हैं। राहुल ने अशोकनगर के नई सराय में चुनावी सभा में कहा भारत जोड़ो यात्रा में कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4000 किलोमीटर पैदल चले, किसानों युवाओं माताओं बहनों से मिला और देश बिल्कुल पास से देख आया। इस यात्रा ने मुझे बदल दिया। हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं। अगर आप सोचते हो कि एमपी एमएलए सरकार को चलाते हैं तो गलत सोचते हो। बेरोजगारी से लड़ना है तो सबसे पहला कदम जाति जनगणना है, जिसे मैं एक्सरे कहता हूँ। बीजेपी नेता आदिवासी पर पेशाब करते हैं। एमपी में बीजेपी के नेता को आदिवासी युवक के चेहरे पर पेशाब करते देखा, बीजेपी नेता ने आदिवासी पर पेशाब किया। तोमर जी का लड़का भ्रष्ट है, उसका करोड़ों रुपए के लेन देन का वीडियो आया था। मैं मोदी जी से कहता हूँ जाति जनगणना कर दीजिए। नरेंद्र मोदी कहते हैं जाति तो है ही नहीं। क्या दिवाली से पहले आ जाएगी पीएम किसान निधि की अगली किस्त? आपको बता दें किसानों की आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत किसान भाइयों को साल में 6000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इस योजना के तहत अभी तक कुल 14 किस्तें जारी हो चुकी हैं। अब किसान भाइयों को बेसब्री से 15वीं किस्त का इंतजार है, जो कि जल्द ही उनके खाते में पहुँच सकती है। रिपोर्ट के अनुसार किसान भाइयों की पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त 12 नवंबर को जारी की जा सकती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर भी इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। ऐसे में जो किसान योजना का लाभ पाना चाहते हैं, वह आधिकारिक पोर्टल पर जाकर योजना का लाभ लेने के लिए अप्लाई कर दें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त के लिए लाभार्थियों को EKYC अपडेट कराना जरूरी है। ऐसा न करने पर किसान भाई योजना के लाभ से वंचित रह सकते हैं। इस योजना के माध्यम से किसानों के खातों में हर साल 6000 रुपए की धनराशि भेजी जाती है। ये राशि 2000 रुपए की 3 किस्तों के रूप में किसानों के खाते में भेजी जाती है। प्रियंका बोली रिश्ता निभाने से बनता है वरना कंस भी मामा। चित्रकूट में कहा हमें 5 साल दो आपको फकीर और मामा से छुटकारा मिले।
आपको बता दें कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी गुरुवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहीं। सतना के चित्रकूट में चुनावी सभा के बाद प्रियंका रीवा पहुंचीं। चित्रकूट में प्रियंका ने कहा एमपी सरकार रिश्वतखोरी से चल रही है। सीएम कहते हैं कि हम मामा हैं, रिश्ता निभाने से बनता है, वरना कंस भी मामा है। मुझे मतलब नहीं कोई अपने आप को फकीर बोले, मामा बोले, देश की संपत्ति गिने चुने लोगों को सौंप दी, मेरे लिए तो आप भ्रष्ट हो। प्रियंका ने कहा हमें 5 साल दे दो, भारी बहुमत से जिताओ, ताकि कोई हमारी सरकार को फिर से चोरी न कर पाए, ताकि आपको फकीरों से छुटकारा हो, मामा जी से छुटकारा हो, और जो आपकी सेवा करता है वैसा नेता आपको मिले। कांग्रेस ने हमेशा आपकी हिफाजत की है। दलहन का कारोबार सामान्य, तुअर मूंग उड़द में उतार चढ़ाव, गेहूं में उछाल, लहसुन प्याज में तेजी, फलों सब्जियों के बढ़े दाम, जाने आज 9 नवंबर का मंडी भाव। आपको बता दें आज की मंडी की बात करें तो आज दलहन के भाव में गिरावट देखी जा रही है। तुअर और उड़द के आयात बेहद कम है, उड़द की फसल को कई क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है। वहीं उड़द और मूंग के उत्पादन में स्वयं सरकार ने गिरावट आने की संभावना व्यक्त की है। कर्नाटक में मूंग की फसल काफी कमजोर बनी हुई है। डॉलर चना का भाव 16,600 प्रति क्विंटल पहुंच गया है। डॉलर चने का कारोबार सामान्य रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दलहन की कीमत में फिलहाल स्थिरता बनी हुई है। तुअर उड़द मूंग चने की आवक कमजोर है, वहीं दाल में भी लगातार उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं। गेहूं सहित लहसुन प्याज के भाव में लगातार तेजी देखी जा रही है। सरसों सोयाबीन के भाव सामान्य बने हुए हैं। चना कांटा 6,200 से 6,300 रुपए प्रति क्विंटल, विशाल चना कांटा 6,050 से 6,200 रुपए प्रति क्विंटल, मसूर 6,175 से 6,302 रुपए प्रति क्विंटल, तुअर 9,500 से 11,800 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग 8,800 से 8,900 रुपए प्रति क्विंटल, बारिश का नया मूंग 9,600 से 11,000 रुपए प्रति क्विंटल, एवरेज मूंग 7,000 से 8,500 रुपए प्रति क्विंटल, वेस्ट उड़द 9,500 से 10,500 रुपए प्रति क्विंटल, मीडियम उड़द 7,500 से 8,500 रुपए प्रति क्विंटल, हल्का उड़द 3,000 से 5,000 रुपए प्रति क्विंटल। अनाज के भाव, सरसों 4,000 से 5,000 रुपए प्रति क्विंटल, सोयाबीन 1,000 से 5,200 रुपए प्रति क्विंटल, गेहूं 1,100 रुपए से 3,400 रुपए प्रति क्विंटल, सुजाता गेहूं 3,600 से 3,700 रुपए प्रति क्विंटल, डॉलर चना 3,900 से 17,000 रुपए प्रति क्विंटल, देसी चना 3,500 से 7,000 रुपए प्रति क्विंटल, बटला 1,800 से 5,500 रुपए प्रति क्विंटल, मिर्ची 1,500 से 18,500 रुपए प्रति क्विंटल, तिल्ली 13,655 से